वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा व्लॉग 2-3 दिन नहीं आया क्योंकि मैं घूमने गई हुई थी, और मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। एक्चुअली हम लोग गए थे शिरडी, तो थोड़ी सी देर के लिए गए थे, बाकी हम लोग गए थे सुला वाइन यार्ड्स। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा सुला वाइन यार्ड्स का ट्रिप, से इंजॉय करिए। तो सुबह सबसे पहले मैं पहुंच गई थी मुंबई, सुबह के शायद 4:15 बज रहे थे, और वहां से मैंने बोरीवली तक के लिए, बोरीवली से थाने के लिए कैब लिया, मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई। फिर हम लोग कैब से दोबारा से हम लोग नासिक के लिए निकल गए। यार ये कहां से आते हैं ये धुआं? और यहाँ मैं धुएं को धुआं बोल रही हूँ, बादल को, लेकिन ये बादल ही था। और फिर पहुँच गए थे हम लोग शिरडी पर, यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि फ़ोन हमारे बाहर ही जमा करने थे और सैंडल्स भी बाहर ही उतारने थे, तो यहाँ बस मैं इतना ही वीडियो शूट कर पाई। तो मैं शिरडी का बाहर का ही आपको दिखा पा रही हूँ। शिरडी से दर्शन करके हम लोग निकले सुला वाइन यार्ड्स की तरफ, जो कि लेकिन प्लेस रास्ते में जो पड़ रहे थे झरने वगैरह एंड सब, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। तो आगे हम लोग निकल गए थे सुला वाइन यार्ड्स की तरफ। सुला वी, ये देखो ना नाम, देखो ऊपर वी, यानी सुला वी विन यार्ड लिखा है। मुझे जाना है द सोर्स एट सुला। अभी कैसे हो? मैं लोगों को बताऊंगी ऐसा हंस रही थी ये बता रही थी हम आसान में सुला का ही है क्या कोई बंदा, क्या ही पता, पर अच्छा है यहाँ पे ना ग्रीनरी ग्रीनरी। तो हम तो मुंह कवर कर लेगी क्या ताकि मैं तेरे को लेना हुआ पागल, किसी दिन मैं फेमस हो गई तो तू भी फेमस हो जाएगी फिर तू भी अपना ब्लॉग डाल सकती तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे द सुला वाइन यार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल रिसोर्ट था, मतलब वहां पे ग्रेप्स उगाकर वाइन बनाई जाती है, बहुत ही फेमस है। आप लोग सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो उसमें एक प्लेस था द सोर्स एट सुला, वहां हम लोगों ने रूम बुक करा था। वहां पे काफी फॉरेनर्स वगैरह एंड सब लोग आते हैं ये देखने, काफी देखने लायक जगह थी, आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल। तो हम आ गए थे जहाँ पे हम लोगों ने रूम बुक किया था अपना, उसका नाम था द सोर्स एट सुला। तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ, बग्गी सर्विस वगैरह भी होती है, हालांकि हम लोग तो कैब से आए थे, बट बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। एंड जब लोग हम लोग अंदर गए रिसेप्शन पर, तो वहाँ पर भी बहुत, उन लोगों ने बहुत अच्छे डेकोरेटिव पीसेस वगैरह बहुत अच्छे से लगा रखे थे, एंड स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, बहुत ही अच्छा मैनेज कर रखा था। एंड वहाँ पे उन लोगों ने अपनी अवार्ड विनिंग वाइन्स एंड सब का डिस्प्ले ऐसे कर रखा था, हालांकि खाली थी, वो उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाया है। तो मैंने ये शूट किया एंड फिर उसके बाद जो हमारा टूर का था तो वो हमें समझा रहा था वहाँ का रिसेप्शन बॉय। हाँ बहुत ही मस्त लग रहा है।
मैं तो हमेशा भूल ही रहती हूँ। क्या कभी कभार याद आता हूँ। तो आ गए थे हम लोग हमारे रूम में और ये था हमारा रूम नंबर था हमारा 127 सुसेक्स। वहाँ पे अलग अलग नाम दे रखे हैं रूम्स को। बहुत ही प्यारा रूम था यहाँ, और वेदर भी एक्चुअली बहुत प्यारा हो रहा था तो उसके कारण भी रूम बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि सामने रूम तो अच्छा था ही और सामने भी एक बालकनी थी जिसमें सीटिंग्स थी, जिसमें बैठ के आप थोड़ा वेदर भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मतलब क्लीनलीनेस भी वेल मेंटेन्ड, सब कुछ बहुत ही सुंदर रूम था। वर्थ था कि भाई हम गए, हमने वहाँ पे स्पेंड करा अपना टाइम, तो बहुत ही वर्थ था। बाहर की बालकनी थी जिसमें हम लोग बैठ सकते थे और ये अंदर एक छोटा सा प्लेस था जिसमें आप वॉशरूम से बाहर आके रेडी हो सकते थे। एंड ये मेरी फ्रेंड इधर उधर घूम रही है रूम में। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद रेडी हो गए। मैंने ये स्विम सूट पहना था ताकि मैं स्विमिंग करने जा सकूं, तो हम लोग रेडी होके जा रहे थे। ये श्वेता गिरते हुए जल पड़ी थी। एग्जाम आए थे पूल और मैं गई हूँ भीग, लेकिन मेरी जो दोस्त श्वेता है वो सूखी जा रही है। हालांकि वो पूरी कॉस्ट्यूम पहन के आई थी लेकिन आप देख सकते हैं वो पूरी सूखी जा रही है। ये पूरी सूखी है। एक्सक्यूज मी, ये वाइनरी टूर जाने वाला था। ये ऊपर के बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर यहाँ से। श्वेता तेरे फोन से वो सुला लेना यार। ये वहाँ पे ऐसे वाइनरी टूर जाता है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि वाइन्स का प्रोसेस क्या होता है, वाइन्स कैसे बनती हैं, कैसे उन्हें फर्मेंट किया जाता है। हालांकि टूर वो लोग रिकॉर्ड नहीं करने देते क्योंकि वो प्रेस जो भी बैरल में होता है वो उनका अलग एक प्लांट था, तो वो लोग रिकॉर्ड नहीं करने देते ऐसे मशीनरीज, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट बाकी हम लोग जहाँ तक जा पाए और जहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर पाई, यहाँ तक हम लोग रिकॉर्ड कर पाई थी तो वहाँ तक मैंने ज़रूर रिकॉर्ड किया है ये सब। और उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं पॉसिबल थी। उसके बाद हम लोग रात को डिनर करने आ गए थे रेस्टोरेंट में उधर के। और फिर हमने स्टार्टर फूड ऑर्डर किया था पर मैं स्टार्टर्स का ही पिक ले पाई, बाकी फूड का पिक मैं ले नहीं पाई क्योंकि भूख बहुत लगी थी, हम खा गए। उसके बाद हम नेक्स्ट डे तैयार हुए, रेडी हुए। हम लोग रात को स्पार्कलिंग लाइट देखने जाने वाले थे पर जा नहीं पाए क्योंकि नींद आ गई थी। और फिर ये ब्रेकफास्ट की जगह पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद हमारा चेकआउट टाइम था 12 बजे, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा घूमे वाइनयार्ड्स क्योंकि हमको देखना था कि वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो बहुत अच्छा ग्रीनरी था एंड यहाँ पे ट्री हाउसेस, वहाँ सामने आप देख सकते हैं बाइसिकल के उधर ट्री हाउसेस भी बने हुए थे जहाँ पे कपल्स रह सकते थे। एंड ये बहुत ही प्यारा यार्ड था जहाँ पे वो लोग ग्रेप्स उगाते थे। एंड वहाँ पे सामने पहाड़, बहुत ही सुंदर ग्रीनरी, बहुत ही प्यारा वेदर, सब कुछ बहुत प्यारा था। ये वाला एरिया यहाँ पे ये हम लोग आगे चले और वहाँ बहुत ही प्यारा सा ग्रीनरी था। ये सुला का लोगो भी लगा हुआ था हर जगह पर। और हम आगे चले तो वहाँ पर उन लोगों ने उनकी वाइन्स की बॉटल का अलग अलग शो पीसेस, बहुत ही प्यारा मतलब डिस्प्ले बहुत प्यारा था।
लोग बोल रहे हैं आई लव सुला, ये लोग वहां लिखा है भाई वहां नहीं लव तो कुछ नहीं हुआ है ठीक है अच्छा है सुला, हाँ ये पता नहीं आई लाइक सुला ऐसा बोल सकते like. उसके बाद अंदर जाके उन्होंने एक गार्डन टाइप जगह बना रखी थी जहाँ उन्होंने डिस्प्ले करा हुआ था, ये बहुत बड़े बड़े शो पीसेस बना रखे थे ऐसे वाइन्स की बॉटल्स के, एंड ये टूरिस्ट के लिए भी अलाउड है एंड नॉर्मल जो लोग स्टे कर रहे हैं उनके लिए भी घूमना अलाउड है, तो दोनों ही लोग आ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खाने आते हैं इधर तो वो लोग भी ये यार्ड्स को पूरा घूम के जाते हैं, और घूमने की प्लेस बहुत अच्छी है ये। वाओ यार यहाँ स्टार लाइट्स दिखते हैं। हाँ मैं यही तो बोल रही थी रात को आते हैं। बस फिर हम लास्ट ये स्टार लाइट वाला घूमने गए जहाँ पे हम लोग ये स्टार लाइट वगैरह रात को आके देख सकते हैं, लेकिन हालांकि वहाँ पे स्टार्स दिखते नहीं रात को क्योंकि वेदर बहुत ऐसा था, बारिश वाला तो नहीं दिखते। उसके बाद हमारा ट्रिप एंड पे आ गया क्योंकि हम चेकआउट कर चुके थे, और ये था हमारा ट्रिप टू सुला वाइन यार्ड जो कि बहुत सुंदर प्लेस है, आप लोग कभी घूमने जाएं बहुत ही सुंदर प्लेस है। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ नए ट्रिप्स के साथ, तब तक